क्लोरोफार्म के बनाने की पढ़ चुके थे ना, आज पढ़ना है क्लोरोफार्म के गुण। ठीक है, तो क्लोरोफार्म के गुण जो होते हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले भौतिक गुण देखा जाए, क्लोरोफार्म का भौतिक गुण। क्लोरोफार्म क्या होता है? यह रंगहीन मधुर गंधयुक्त वाला ज्वलनशील द्रव होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है, मधुर गंध वाला होता है और ज्वलनशील द्रव होता है। इसका जो क्वथनांक होता है 334 केल्विन होता है और हिमांक इसका होता है 210 केल्विन। मतलब कि 210 केल्विन का ये क्या हो जाता है? वो जाता है। और ये जो है क्वथनांक इसका जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? 334 केल्विन। ये जो है जल में अभिलेय है परंतु कार्बनिक विलायक में क्या होता है? विलेय। कार्बनिक विलायक जैसे बताओ, ईथर आपका कार्बनिक विलायक है, एल्कोहल आपका क्या है? कार्बनिक विलायक। मतलब कि एल्कोहल में ईथर में क्लोरोफार्म क्या होता है? विलेय हो जाता है, लेकिन जल में विलेय नहीं होता, उसमें अविलेय होता है। ये क्या होता है? इसे सूंघने पर क्या होता है? निश्चेतना आ जाती है। सूंघने पर क्या होता है? निश्चेतना हो जाती है। क्लोरोफार्म जो है यह जो सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है तो यह फास्फीन नाम फास्फीन और फास्जीन दो होते हैं। फास्फीन भी विषैली गैस है और फास्जीन भी क्या है? विषैली है। तो फास्जीन जो है फास्जीन का फार्मूला होता है CO Cl2 और फास्फीन का क्या होता है? ये होता है एक जो है ये फास्जीन और फास्फीन दोनों अलग अलग है, दोनों ही विषैली गैसे हैं। इसे जब सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है विषैली गैस बना लेता है। इसका उपयोग भी अभी देखेंगे, पहले जब इसके रासायनिक गुण देख लिया जाता है। क्लोरोफार्म का रासायनिक गुण, जो क्लोरोफार्म का रासायनिक गुण है, अब इसे क्लोरोफार्म का रासायनिक गुण देखिए कैसे होगा। क्लोरोफार्म जो है यह सूर्य के प्रकाश से क्रिया कर लेता है। जब सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है तो उस समय क्या बनाता है? फास्जीन गैस बना लेता है। ऐसे ही इसकी नाइट्रीकरण की क्रिया होती है, एजी सिल्वर के साथ क्रिया कर लेता है। तो निम्न क्रियाओं के साथ क्या क्या बनाएगा वही आपको पढ़ना है, फिर इसके बाद इसी में आपको पढ़ना है क्लोरोफार्म का परीक्षण। तो देखिए इसमें चलो बताओ क्लोरोफार्म का सूत्र। राकेश बताओ क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? CaCl3। क्लोरोफार्म की क्रिया सिल्वर के साथ करा दिया। किसके साथ? सिल्वर के साथ, एजी के साथ। जब एजी के साथ क्रिया कराई जाती है तो यह बनाता है एसिटिलीन गैस बना लेता है। क्या बना लेता है? एसिटिलीन गैस। इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगी। देखिए जब रजत चूर्ण के साथ इसे गर्म किया जाएगा, किसके साथ? रजत चूर्ण के साथ गर्म किया जाएगा, सिल्वर मतलब रजत चूर्ण। इसके साथ जब गर्म किया जाएगा तो यह बनाता क्या है? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन का सूत्र क्या होगा? एसिटिलीन। और इसके साथ बनाएगा एजी सीएल बनाता है। ठीक है, यहाँ पर दो अणु लेंगे तो मतलब क्लोरीन कितना हो जाएगी? 6। तो यहाँ पर एजी कितना हो जाएगा? 6। और अभी बचता है ना, तो क्या हो जाएगा? C2H2। ये आपका क्या है? एसिटिलीन गैस। ठीक है, मतलब कि इसमें त्रिक बॉन्ड होगा। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे इसकी संरचना होगी। इसी क्लीन गैस बना लिए, नोट कर लो। एसीटोन के साथ दिया, अगला किसके साथ? एसीटोन। तो क्लोरोफार्म की क्रिया किससे? एसीटोन। जब क्लोरोफार्म एसीटोन से क्रिया करता है तो वह क्या बना लेता है? क्लोरीटोन बनाता है। तो क्लोरीटोन अब इसका दोनों एसीटोन का सूत्र क्या होगा?
जब क्रिया करेगा तो बनाएगा क्लोरीटोन। तो क्लोरीटोन बनाने का मतलब है, अब देखिए ये सी एच थ्री ठीक है और ये सी एच थ्री ठीक। अब इसमें बचता क्या है, सी ओ आपका ये जो कार्बन है यहाँ पे रख दिए, अब यहाँ पर ओ बचा है, यहाँ पर एच ये बनाएगा ओ एच, अब यहाँ पर बचा सी सी एल, यही है क्लोरीन। नोट कर लो, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि KO CaCl क्लोरोफॉर्म की जब क्रिया कराई जाएगी तो यह बनाएगा पोटेशियम और सोडियम, सोडियम मतलब NaOH से भी आप क्रिया करा सकते हो और KOH से भी आप क्रिया करा सकते हो, जब KOH के साथ क्रिया करा हुए तो वहां पर आपको वहां पर भी फॉर्मेट मिलेगा KOH के साथ भी और NaOH के साथ भी फॉर्मेट मिलेगा, लेकिन वहां पर नाम वहां में क्या होगा चेंज हो जाएगा, जब N में लगा होगा क्या होगा सोडियम सोडियम फॉर्मेट, जब K लगा होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा। तो पोटेशियम फॉर्मेट करने पहले बताइए कि डायरेक्ट क्रिया करेगा या दो पदों में भी कर सकता है, जो नहीं कर पाएगा देखिए आप इससे यही है आप इसका कितना अब ये सकते हैं तीन बनाएगा क्या
मृत जीव जंतु को रख दिया जाए तो वो सड़ता नहीं है, वैसे बना रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें होता है क्लोरोफार्म को बोतल में पूरा भर कर पूरा भर के तथा रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, रंगीन बोतल होता है सूर्य की प्रकाश से क्रिया नहीं कर पाता है। यदि उसमें थोड़ी सी भी जगह है, इसका मतलब वहाँ पर वायु उपस्थित होगी, वायु उपस्थित होगी सूर्य की, यह सूर्य के प्रकाश से जब क्रिया करेगा तो यह क्या बना लेगा, जैसे फाजिन गैस बना लेगा, जिससे क्या होता है इसका उपयोग करने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये क्या होता है जैसे गैस होती है, इसलिए इसे क्या करती है रंगीन बोतल में भर के रखा जाता है। अब इसी में आपको पढ़ना है क्लोरोफार्म का परीक्षण। तो क्लोरोफार्म का जो परीक्षण होता है एक होता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण है क्या, आइसोसाइनाइड परीक्षण होता है या एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा एनिलीन के साथ क्लोरोफार्म को गर्म करने पर फिनिल आइसोसाइनाइड बनाता है। ये क्या होता है, अत्यधिक दुर्गंध निकलते आती है, जब दुर्गंध आएगी तो इसका मतलब वहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है क्लोरोफार्म उपस्थित है। ये किसके होता है, ये आपका जो एल्कोहलिक पोटेशियम मतलब कि QOH है ना, एल्कोहलिक रूप में, एल्कोहलिक रूप में QOH वह आप इसके पहले पढ़ चुके हो, KOH एल्कोहलिक रूप में और जलीय रूप में दोनों पढ़ चुके हो। तो कह रहा है कि एल्कोहलिक KOH जो होता है या और एनिलीन क्लोरोफार्म के साथ जो गर्म कराया जाता है तो अत्यंत तीक्ष्ण गंध वाली दुर्गंध होती है इसमें निकलती है। इसका मतलब इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है क्लोरोफार्म उपस्थित है। जब शुद्ध क्लोरोफार्म और एक परीक्षण इसका होता है सिल्वर नाइट्रेट से, जब शुद्ध क्लोरोफार्म होगा तो वहाँ पर क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके अवक्षेप बना लेता है। जहाँ पर शुद्ध क्लोरोफार्म होगा वहाँ पर क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके अवक्षेप बना लेता है। यदि अशुद्ध होगा जब शुद्ध होगा तो कोई अवक्षेप नहीं बनाता, जब अशुद्ध होता है तो वहाँ पर क्या होता है अवक्षेप बना लेता है। जैसे इसकी क्रिया क्या होती है सिल्वर नाइट्रेट से, तो CaCl3 सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जब यह क्रिया करेगा ये मान लीजिए कि शुद्ध रूप में, किस रूप में, तो ये क्या होता है कोई अवक्षेप नहीं देता। ठीक है, जब ये CaCl3 AgNO3 के साथ जब क्रिया करता है तो वहाँ पर क्या होता है एक अवक्षेप देता है, वो भी कैसा अवक्षेप देगा, सफेद अवक्षेप देता है। तो सफेद अवक्षेप जो होता है AgCl के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर बनाता है AgCl, क्या बना लेता है AgCl बना लेगा। और इसके बाद ये क्या होता है सफेद अवक्षेप होता है, क्या होता है सफेद अवक्षेप होता है AgCl यही पर बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उसे संकेत कर लो, यहाँ पर क्या है सिल्वर नाइट्रेट का परीक्षण है, मतलब कि क्लोरोफार्म सिल्वर नाइट्रेट से परीक्षण है क्लोरोफार्म का। तो क्लोरोफार्म के शुद्ध और अशुद्ध होने की जांच यहीं से की जाती है। ठीक है, दो परीक्षण होते हैं इसके, दोनों परीक्षण आपको याद रखना होगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है ये है, इसमें क्या होता है ये मीथेन का व्युत्पन्न होता है, किसका व्युत्पन्न होता है मीथेन का व्युत्पन्न होता है। ये इसमें क्या होता है मीथेन के चारों हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा क्या हो जाते हैं विस्थापित हो जाते हैं। जैसे ये है आपका CH4, ये देखिए इसका जो चारों हाइड्रोजन है यह किसके द्वारा विस्थापित होता है, मतलब कि क्लोरीन के द्वारा विस्थापित होता है CH4 हो जाता है, क्या हो जाता है CH4। ये सबसे पहले क्या होता था ओस के भारी प्रभाज आसवन के द्वारा प्राप्त हुआ था, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी लारेंट ने, किसने लारेंट ने, इसकी खोज लारेंट ने किया था। तो इसका फार्मूला क्या होता है CCl4, ये किसका है कार्बन क्लोराइड, ये जो बनाया जाता है यह सीधा क्या होता है मीथेन की क्रिया क्लोरीन से वो भी उच्च ताप पर, मतलब कि लगभग 400, ठीक है लगभग किस पर 400 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप पर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है उच्च ताप पर क्रिया करा दी जाएगी तो Cl2 की क्रिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा CCl4HCl। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर चार है, यहाँ पर कितना है दो,
दो है, चार तो कितना हो रहा है छह, तो इस तरफ कितना है चार है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन कितना लिख सकते हैं सीसीएल फोर होगा भाई यहाँ पे, तो चार यहाँ पर चार यहाँ पर आठ है, तो ये क्या हो जाएगा फोर सीएल, तो ये क्या हो गया सीसीएल फोर और फोर एच सीएल बना लिया। यह उच्च ताप पर होता है, लेकिन जब उच्च ताप पर ना किया जाए तो ये कैसे होगा, यदि यहाँ पर यदि एल सी एल थ्री फेट की उपस्थिति हो तो वहाँ पर कैसे होगा, वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर फेट होगा या तो एफ बी होगा या तो एल सी एल थ्री होगा या तो क्या होता है यही सब होते हैं इसमें, और एक होता है एफ बी सी एल फाइव फिर भी इसमें से उपस्थिति आप ले सकते हो, उसकी क्रिया जब हम कराएंगे तो ये क्या होता है कि सी एल टू से उसमें ए एल सी की उपस्थिति में जब कराया जाएगा तो आपका बनता है फिर भी, और वहाँ पर अलग कौन होता है सल्फर मोनो क्लोराइड अलग हो जाता है, इस प्रकार से कई क्रियाएँ आप बना सकते हो उसमें। उचिता पर ये आसानी भी है, उचिता पर यही हो जाता है, या तो दो पद में तीन पद में कराओगे फिर धीरे धीरे। फिर इसके देखिए भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, यह रंग ही मीठी गंध वाला विषैला द्रव होता है, यह जल में अभिलेय होता है, कार्बनिक पदार्थों में विलेय होता है, यह वसा के मूत्र आदि का अच्छा विलायक होता है, ठीक है, और ये अद्वितीय होने के कारण द्विध्रुवी आघूर्ण क्या होता है इसका शून्य होता है, अद्वितीय होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है शून्य होता है, एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है, और यह अज्वलनशील होता है तथा अग्निशामक की तरह फायरिंग के नाम से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसी में आपको पढ़ना है क्या केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज में यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड पीएचएफ के साथ क्रिया करा दी जाए तब क्या बनेगा, इसमें बनेगा फ्रेयन 12 सी ए सी एल टू, फ्रेयन 12 बनेगा, फ्रेयन 12 का सूत्र क्या होता है सी सी एल टू सी एल टू सी एल टू क्या होता है सी एल टू सी एल टू यही होता है, ठीक है। अभी फ्रेयन का नामकरण कैसे किया जाता है अभी बताएंगे, उसको कल बताएंगे, आज हो नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा यहाँ से तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब टू एच सी एच क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, एक ये इसका रासायनिक गुण मतलब इससे हम फ्रेयन 12 भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसका ऑक्सीकरण करा दोगे तो क्लोरोफार्म पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऑक्सीकरण करा दो अपचयन करा दो, जब आप ऑक्सीकरण कराओगे फाजीन बनेगा, जब अपचयन कराओगे क्लोरोफार्म बनेगा, इसी का ऑक्सीकरण और अपचयन। देखिए इसका उपयोग, इसका उपयोग कैसे क्या होता है, जो इसका उपयोग होता है ये औषध के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, औषध मतलब कि औषध के रूप में इसका डायरेक्ट नहीं, औषध के निर्माण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ना कि इसका उपयोग सीधा औषध के रूप में किया जाएगा, और फ्रेयन के निर्माण में किया जाता है, फ्रेयन मतलब क्या रहे हो ना हाँ शीतलक गैस होती है, तो ये और इसी में ट्रेनिंग मसा तेल आदि के विलायक के रूप के शोधन तथा गर्भक के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है, और इसे प्रयोगशाला में गर्भक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये इसका कुछ प्रभाव हानिकारक प्रभाव भी होता है, इसका जो ज्यादा अधिकतर उपयोग हो रहा है या वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसको यह क्या कर रही है क्षय कर रही है। अब क्षय होने का कारण क्या है, क्योंकि जब क्षय हो रहा है तो जो सूर्य से प्रवर्गीय किरणें आ रही हैं वह पृथ्वी तक आसानी से क्या हो रही हैं पहुंच जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है मानव त्वचा पर कैंसर का प्रभाव हो जाता है, त्वचा कैंसर पादपों पर भी प्रभाव हो रहा है, और जंतुओं मतलब कि घरेलू जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ रहा है, मछलियों पर प्रभाव पड़ रहा है, मछलियों पर प्रभाव पड़ने मतलब है उनकी वंशज में क्या हो रही है कमी होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है, मछलियों की संख्या में भी कमी हो रही है, तो ये सब इसका क्या है हानिकारक प्रभाव है। अब इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या होता है मीथेन और एथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है फ्रेयन कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है फ्रेयन कहा जाता है। इसका जो फार्मूला होता है इसमें देखिए जो आपका फ्रेयन होता है इसके नामकरण की जो पद्धतियाँ होती हैं थोड़ा सा इसमें फ्रेयन इसे इस तरह से लिखा जाता है फ्रेयन में सी बी ए इस नाम से
मतलब कि इसका नामकरण किया जाए सीबीए से। सी का मतलब होता है इसमें कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या कितनी रहती है उसमें क्या कर दिया था माइनस वन, और ए एच क्या है बी क्या है आपका हाइड्रोजन की संख्या और ए है कार्बन की संख्या, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या कर दिया जाता है प्लस ए वन कर दिया जाता है और आपका बचता है ए, तो ए क्या है आपका क्लोरीन की संख्या, क्लोरीन परमाणु की संख्या होती है, तो क्लोरीन परमाणु की संख्या है ठीक है। तो यही है सी एच एफ, तो ये जो है इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि सी एफ टू सी एल टू है एक ठयान 12 है, तो इसका नामकरण कैसे किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कार्बन संख्या कितनी है एक में एक घटाओगे कितना मिलेगा और यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है दो है, इसको दो लिखिए, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है क्लोरीन की संख्या है दो, दो में क्या कर देना है दो में पहले से बयान 12 है, इसमें देखिए क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ इधर देखिए इसमें क्लोरीन से आपको कोई मतलब है नहीं, तो इससे कोई मतलब है नहीं, और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है ना जीरो में, हाइड्रोजन की संख्या जीरो में आप क्या जोड़ दें वन, तो ये क्या हो जाएगा वन। अब यहाँ पर देखिए ए जीरो है यही है आपका सी बी ए, तो सी वन में वन तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद बी के लिए बी आपका क्या है हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन कुछ नहीं है जीरो में जुड़ेगा कितना होगा ये, तो इसका मतलब ये हो गया, और ये आपका क्लोरीन की संख्या है क्लोरीन की संख्या कितनी है दो, तो इसका मतलब क्या हो गया 12, इसका नाम क्या है 12। इस तरह से इसका नाम कर दिया जाता है, समझ में ना आया हो तो एक अगला देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे Cl2F2Cl2 जैसे क्या है Cl2 तो C2F2 और Cl2 इसके लिए क्या हो जाएगा फ्री, इस त्रयान का नाम क्या होगा देखिए। अब यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या क्या है दो, तो कार्बन की संख्या में एक की कमी की जाती है, इसका मतलब दो में हम एक की कमी कर देते हैं तो बराबर क्या मिल जाएगा एक कार्बन की संख्या के लिए ठीक है। अब इसके बाद कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या इसमें जीरो है ना, फिर भी इसमें प्लस वन किया जाता है तो क्या हो जाएगा वन। अब इसमें देखिए क्लोरीन की संख्या क्या है इसमें क्लोरीन की संख्या दो है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है डायरेक्ट वही लिख दिया जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दो, जब इसका नामकरण किया जाएगा तो 112 मतलब 112 त्रयान क्या हो जाएगा 112, इस तरीके से इसका नाम होता है ठीक है। चाहे इसी में और एक चेक कर लेते हैं C2F2Cl2 क्या कोई और बोल रहे थे क्या बोलो C2F2Cl4। अब देखिए C2F2Cl4 है, तो C2F2Cl4 में अगर जानते हो क्लोरीन आपसे कोई मतलब है नहीं, ये दो है ये घट जाएगा फिर भी वही नाम हो जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी अभी Cl3Cl2 किए थे, अब इसमें क्या होगा कार्बन की संख्या CbA यही होता है फार्मूला ना, C का मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या क्या है तो ये हो जाएगा तो ये। अब इसके बाद है बी आपका क्या होता है हाइड्रोजन की संख्या जीरो में हम वन जोड़ते हैं तो वन। अब इसके बाद है ए क्लोरीन की संख्या, क्लोरीन की संख्या क्या है तीन बराबर तीन, इसका नाम क्या हो जाएगा 113। इस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है ठीक है। इसमें कल पढ़ लेना जो भी हो जो